वही नेता थे मतलब, और सोनिया गांधी का सिर्फ, और ये भी देखेंगे कि चुनाव प्रचार के शुरुआती दिन में सोनिया गांधी उतना प्रचार नहीं कर रही थी, बाद में उन्होंने प्रचार शुरू किया। जी आपको रोकना चाहूंगी मैम राधा जी, यहाँ पर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे रुक करेंगे अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के। जहाँ कांग्रेस दो आंकड़ों में पहुंची हो, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 out of 80। आउट ऑफ 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है, और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की दो सीटें जो आई है वो परिवार की आई है, और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है, बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। आने वाले दिनों में देश की राजनीति में एक हकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। भारत की सफलता की गाथा आगे बढ़ने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश की जनता का के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड बनी हुई है। आप पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई को भी मदद करने के लिए जो आप लोग ने चेष्टा की है, इसके लिए भी सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।